কথা বললাম এই সময় অবস্থা রয়েছে এবং সব মিলিয়ে দিল্লির পর যে আর্থিক কিছুটা सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरा बंगाल का कार्यक्रम बहुत समय से निर्धारित था, आप लोगों से बात करना भी निर्धारित था, मगर आज दिल्ली के परिणाम आए हैं तो प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी और ये जीत इसको और पुष्ट कर दी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज बंगाल में मैं 3 दिन के दौरे पर, कल उत्तर बंगाल के नक्सलबारी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास पार्टी की ओर से रखा गया। ये मेरा जो प्रवास है वो
दीनदयाल जन्म शताब्दी के विस्तारक योजना के तहत रखा गया है। दीनदयाल जन्म शताब्दी के तहत भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन 6 महीना और 1 साल के लिए पूर्ण समय बूथ को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले, बूथ में भारतीय जनता पार्टी के काम का विस्तार करने के लिए काम करने वाले, और उसी के तहत मैं भी 15 दिन के लिए बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, गुजरात में 3-3 दिन कर 15 दिन तक काम करने वाला। कल मेरा 1 दिन का प्रवास हुआ। बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ा। मित्रों, बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक। पहले हम मानते थे, पूरा देश मानता था कि वामपंथियों के शासन के बाद बंगाल में विकास की शुरुआत होगी, मगर ये 6-7 साल के कार्यकाल में भी बंगाल वासियों को निराशा प्राप्त हुई। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश के विकास में हिस्सा 25% था, वो आज घटते 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 4% पर स्थित रह गया है। यही बताता है कि पहले कम्युनिस्टों के शासन में और अब तृणमूल के शासन में बंगाल तेजी से विकास में अपनी हिस्सेदारी को घटा रहा। कम्युनिस्टों ने जब शासन छोड़ा तब 1,92,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर था, और आज की अगर बात करें तो 3,50,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर हो गया। तो ऋण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, भ्रष्टाचार कहीं अटकने का नाम नहीं देता है, सादगी के नाम पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है, चाहे शारदा हो चाहे नारदा हो, नैतिकता के आधार पर तृणमूल कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बंगाल की जनता उनसे जवाब मांग रही है, और जिस तरह से राज्य की धन संपत्ति में गिरावट आ रही है, एक जमाने में भारतीय बैंकों में जो डिपॉजिट्स होती हैं उसमें बंगाल का हिस्सा 18% था, कम्युनिस्ट आए तब 12.8 रह गया, और अब वो हिस्सा 6.3% रह गया है, मतलब 18% से 6%, 1/3 हो गया है। बैंक की क्रेडिट में भी ऑल इंडिया में बंगाल का जो ऑल इंडिया की एवरेज 9.8 है उसके सामने बंगाल की रेटिंग 5% रह गई है। मित्रों, ये बहुत चिंताजनक बात। FDI निवेश में भी 2% से कम निवेश हुआ है। विद्युत की खपत के बारे में, देश की एवरेज खपत 609 यूनिट प्रति व्यक्ति है, देश की एवरेज खपत 957 यूनिट प्रति व्यक्ति है, इसके सामने बंगाल की खपत 609% है, मतलब 609 यूनिट है, मतलब 30% कम है। उत्पादन में भी गिरावट आई है। हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहा है। कृषि विकास दर भी स्थगित हो गया है। मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, और इसके साथ साथ बंगाल में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स को TMC ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल में बहुत बड़ा आक्रोश इसके खिलाफ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बंगाल में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से आदेश लेने पड़ेंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता सरस्वती पूजन को सरकार रक्षा नहीं दे पाएगी। किस प्रकार से बंगाल सरकार
जनता के साथ भेदभाव कर रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नोटबंदी का विरोध करकर बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में अपनी जगहसाई करी है। जाली नोट के कारोबार को रोकने में बंगाल सरकार पूर्णतया विफल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल सरकार विफल रही है। एक जमाना था जब बंगाल उद्योग से लैस था, कल कारखानों से लैस था, आज बंगाल सब प्रकार के कारखाने बंद हो रहे हैं, सिर्फ बम बनाने के कारखाने बंगाल में चालू हो। रविंद्र संगीत जिस बंगाल में गूंजता था, वही बंगाल में अब बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता इसके कारण बहुत व्यथित है, आक्रोशित। मई में जुड़ामपुरा में हत्याकांड हुआ, जनवरी 16 में जनसंहार हुआ, अक्टूबर 16 में मदनीपुर में जिस प्रकार की हिंसा हुई उससे पूरा देश चिंतित है, बंगाल की जनता भी चिंतित। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंगाल के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। जहां तक बंगाल के विकास का सवाल है, 13th फाइनेंस कमीशन जो कि यूपीए सरकार के इस कालखंड को समाहित करता है, उसमें बंगाल को 1,03,539 करोड़ रुपया सेंट्रल टैक्स में से शेयर दिया था। और 14th फाइनेंस कमीशन जो नरेंद्र मोदी सरकार भाजपा सरकार के कालखंड को समाहित करता है, उसमें ये आंकड़ा बढ़ाकर 2,89,942 करोड़ तक पहुंचा है। 1,03,000 से 2,89,000 करोड़, मतलब लगभग लगभग 3 गुना बढ़ोतरी इसके अंदर करी है। ग्रामीण एड्स में 20 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने दिया था, एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने 95-20 के सापेक्षता में 34,732 करोड़ रुपया देने का योजना बनाई है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 13th फाइनेंस कमीशन में नील मिली थी बंगाल को, हमने 11,760 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने का तय किया है। मित्रों, स्टेट डिजास्टर की ग्रांट में भी 1,263 के सामने 2,140 करोड़ रुपए की ग्रांट भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आवंटित किया है। लोकल बॉडीज ग्रांट के अंदर 1,444 करोड़ रुपया मिलते थे, 14th फाइनेंस कमीशन में 20,832 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण रोजगार में 51 लाख घरों में रोजगारी देने का काम किया है मनरेगा के माध्यम से, और 3745 करोड़ रुपया अलग से दिया है। 1.8 लाख घरों का निर्माण करने के लिए 2,363 करोड़ रुपए की राशि दी है। 2,322 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,209 करोड़ रुपया अलग से दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता करकर बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए एक अच्छा जरिया भारत सरकार ने बनाया है। रेलों के मामले में भी स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, और केवल एक वर्ष में 88 सबवे का काम समाप्त कर दिया गया है। 123 मानव रहित क्रॉसिंगों को समाप्त कर दिया गया है। 47 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। बहुत सारी जगह पे एस्केलेटर लगाने का काम हुआ है, और 21 नए एसी रिटायरिंग रूम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। विद्युत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24/7 बिजली उत्पादन बिजली कराने के लिए भी हमने बहुत बड़ी सहायता की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 29 जिलों में 4,262 करोड़ रुपया 4,262 करोड़ रुपया दिया है। एकीकृत विद्युतकरण विकास योजना के तहत
1075 करोड़ रुपया अलग से दिया गया है, 131 मेगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे हैं, मगर इसको नीचे तक ले जाने में बंगाल सरकार विफल रही है। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, आज 2014 से 17 के बीच में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र बना है, उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जीएसटी के कानून को हमने पारित कर लिया है, रेलवे बजट को बजट में मर्ज करने का भी काम किया है, 104 उपग्रह अवकाश में एक साथ सैटेलाइट छोड़कर अवकाश की दुनिया में भारत ने एक प्रमुख सिद्धि प्राप्त करी है। नोटबंदी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने दुनिया में अपने आप को एक शक्तिशाली देश करकर इंस्टॉल करने का प्रस्तावित करने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जन धन योजना के तहत लगभग 28 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाकर उनको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7.32 करोड़ लोगों को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बेनामी कंपनी, बेनामी संपत्ति एक्ट लाकर कठोरता से काले धन को रोकने की कार्यवाही करी है। सेल कंपनियों पर एक अभियान चलाकर जो काला धन बाजार में घुसाया जाता था उसकी रोकथाम के लिए अच्छा काम किया है। भीम ऐप डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में दुनिया में सबसे पॉपुलर ऐप बन चुका है। यूरिया के दाम घटाए हैं, खाद के दाम घटाए हैं, नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की उपलब्धि को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है। 13,000 ऐसे गांव जिनको देश की 70 साल की आजादी के बाद बिजली का खंभा भी उपलब्ध नहीं था, ऐसे 13,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंद्रधनुष के माध्यम से करोड़ों बच्चों को टीकाकरण का काम किया है। आवास योजना के माध्यम से लाखों लोगों को आवास देने का काम किया है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से भारत के युवाओं को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और इसके साथ साथ स्वच्छ भारत, नमामि गंगे योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन भागीदारी से समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी पहल की। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जिस प्रकार से तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रही है, 2 उपचुनाव में हम प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आए हैं, हम दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इसी गति से भारतीय जनता पार्टी बढ़ती रहेगी और 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनने का लक्ष्य रखकर आगे चल रही है। हमारे लाखों कार्यकर्ता बूथ के विस्तार के नाते हर गांव में, हर घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अनेक भी अत्याचार होते हैं, हिंसक हमले होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मगर तृणमूल कांग्रेस अगर समझती है कि हिंसा करने से, इस प्रकार का दबाव बढ़ने से वो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे, तो मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कमल मुरझाएगा नहीं, और अच्छी तरह से खिलकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता के बीच में प्रस्थापित होगी। जिस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति बंगाल के अंदर हो रही है, मैं मानता हूं कि बंगाल की संस्कृति पर, बंगाल के संस्कार पर एक बहुत बड़ा आघात है और बंगाल की जनता इसके सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बार तय किया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव के बाद ये बार बांग्ला, अब की बार बांग्ला का सूत्र लेकर
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल के मतदाताओं के घर घर तक जाएंगे और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बंगाल में भी दिग्विजयी कर आगे 2019 के चुनाव में हम पढ़ेंगे। यही हम बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और करबद्ध निवेदन करना भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए और सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। धन्यवाद। एक 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 जरा बता दीजिए कौन बोल रहा है। देखिए जहाँ तक एमसीडी का सवाल है, दिल्ली का इसका फैसला करेगी, अभी तो परिणाम आ रहे हैं। और जहाँ तक सुकमा का सवाल है, मैंने कल भी कहा था कि मैं कल नक्सलबारी से एक गांव से हमारे भारतीय जनता पार्टी की विस्तारक योजना का शुभारंभ किया है। इसका कारण यही है कि हिंसा का जवाब विकास से ही दिया जा सकता है। जहां से हिंसा की राजनीति की शुरुआत हुई थी, जो विचारधारा परिवर्तन हिंसा से आएगा इसमें विश्वास करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी का जवाब है सबका साथ सबका विकास के माध्यम से। और जहां तक नक्सलियों का सवाल है, माओवादियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार कठोर कदम उठाकर इनको दंडित करने का काम करो। अमित जी आप बताओ, एक एक का नाम बोलो। मैंने पूर्ण नजर आया और वहाँ पे जो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ जीतते हैं तो हम गाँव हत्या पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। बहुत सी जगह आपने पाबंदी लगाया है, बंगाल में अगर आप जीत गए तो क्या पाबंदी लगाएंगे? देखिए गौ हत्या पर पाबंदी हमारे संविधान के प्रीएम्बल में, हम पहले बंगाल के अंदर हमारे काम का विस्तार करेंगे, बाद में चुने हुई सरकार करेंगे। सर, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अमित जी, मेरा सवाल है आपसे कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसान इतनी तकलीफ में क्यों है? आज वो चूहा खाने पे क्यों मजबूर है? अगर कृषि कल्याण के थ्रू हमारे पास 600 करोड़ रुपए आते हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटकर भाजपा की आएगी, किसान चूहा खाने पर मजबूर रह जाएगा। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सब जगह पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा, आपने कंपेयर करना चाहिए, आपने थोड़ा स्टडी करना चाहिए। जहाँ जहाँ तुम लोग बहस नहीं करते, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है। मैं बंगाल सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि अब दोबारा उनको मैंडेट मिला है बंगाल के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को 10% से ज्यादा करें। अमित जी, कल तृणमूल की ओर से कहा गया है कि भाजपा का लक्ष्य बंगाल है, हमारा दिल्ली है, और बंगाल में जो दो लोकसभा की सीटें हैं बीजेपी के पास वो भी 2019 को उनके पास से चली जाएगी। चलिए, निर्णय तो बंगाल की जनता ने करना है और मुझे आनंद है कि वो भाजपा को एक्नोलेज कर रहे थे। पहले वो कम्युनिस्टों को गाली दे रहे थे, कांग्रेस को गाली दे रहे थे, अब भाजपा को दे रहे, इसका मतलब आपने समझना चाहिए। अमित जी, एमसीडी नतीजों के बाद ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। अजय माकन ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को ईवीएम की जांच करनी चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी लहर नहीं ईवीएम लहर है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी कभी 2015 में इसी ईवीएम मशीन से केजरीवाल जी चुनकर आए, इसके बारे में इनकी क्या टिप्पणी है पहले जनता के सामने रखनी चाहिए। अरे जी, यूपीए 1 और यूपीए 2 के चुनाव भी इसी ईवीएम मशीन से हुए, अगर ईवीएम मशीन में खोट है तो वो कैसे चुनकर आएगी? मुझे लगता है सबसे स्पिरिट से जनादेश को स्वीकार करें। जल्दबाजी मत करें, मैं सबको जवाब। हाथ मिलाए होकर माइक ध्यान रखकर बोलिए। वेरी गुड न्यूज़ दैट यू हैव टेकन इंटरेस्ट इन बंगाल, बट अर्लियर यू सेड दैट यू वांट टू कन्वर्ट कोलकाता एज अ सेकंड ऑफ इंडिया सिंस इट इज गेटवे टू इन गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। सो व्हाट इज योर प्लान? आर यू स्टिल मेंटेनिंग दैट आइडिया
of converting Kolkata into the second capital of India, is Kolkata is lagging far behind under the present rule? स्पष्टता से सुना ही नहीं पड़ा, जरा फिर से बता दीजिए और हाथ मत हिलाइए, ऐसे रखकर स्थिर रखकर बोलिए। कोलकाता लैगिंग फार बिहाइंड अंडर द प्रेजेंट रूल, यू अर्लियर एश्योर्ड दैट यू विल कन्वर्ट कोलकाता एज द सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस इट इज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। देखिए, जहां तक कलकत्ता का सवाल है, विकास के सारे रास्ते आज कलकत्ता की जनता ने, बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को दिए हैं, मगर हमारी सरकारें जहां जहां बनी हमने विकास को बढ़ावा दिया है। आप गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, अब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विकास हो रहा है, झारखंड जैसे पिछड़े स्टेट में भी विकास हो रहा है। यहां पर अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से बंगला का पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव लौटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम सफल भी। अभय जी, दीपक घोष, एबीपी आनंद, आप एक तरफ पर पार्टी होने का विश्वास रखता है या नहीं? मेरा सवाल एक ही है, पहला ऐसा कौन सा परिस्थिति था जो कमल खिलने का प्रतिकूल था, अभी ऐसा कौन सा परिस्थिति आया जो कमल खिलने का अनुकूल हुआ है? देखिए, तीन साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, न केवल पश्चिम बंगाल, देश भर में, उड़ीसा में स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए थे, वहां पर भी हम नंबर दो बने हैं, त्रिपुरा में हुए वहां पर भी नंबर दो बने हैं, बंगाल में हुए वहां पर भी नंबर दो बने हैं, यूपी और उत्तराखंड में हम जीत कर आए हैं, मणिपुर में हमने 2% जहाँ वोट थे वहां 36% मतलब 34% की छलांग लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, असम में सरकार बनाई है। तो पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण या मध्य भारत हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, मैं मानता हूँ इसका असर बंगाल में। ना जी, हम भाजपा युक्त इंडिया बनाना चाहते हैं, हम किसी को हटाने के लिए काम नहीं करते, हम अपने विकास के लिए, हमारे विचारधारा के विस्तार के लिए काम। अमित जी शमाना तो नहीं है ना, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार भेदभाव कर रही है, वही ममता बनर्जी का आरोप है कि आपकी सरकार दंगा फैला रही है और जातिवाद के नाम पर लोगों को अलग कर रही है, इसका जवाब क्या देंगे? कौन सी जातिवाद, क्या जातिवाद? रिलीजन के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं ना, लोगों के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप खाना नहीं खाना, इसके ऊपर। अरे भैया, कोई जातिवाद की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। देखिये, ममता जी क्या कह रही है वो छोड़ दीजिए, मेरा कहना है बंगाल की जनता क्या कह रही है वो ममता जी सुन ले तो उनको थोड़ा फायदा होगा। सर, मेरा अभी हम है अपॉर्चुनिटी, आप नेशनल लेवल के लीडर हैं, आपसे एक ही सवाल है, कश्मीर से लेके राजस्थान, इसके बाद आगरा और दिल्ली में भी एक गौर रक्षक, दे आर ऑन द रैम्पेज, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपके पार्टी से या आपके सरकार से बिल्कुल स्पष्ट मैसेज हमने दिया हुआ है, सबने कानून का पालन करना चाहिए, किसी ने कानून हाथ में नहीं लेना। स्ट्रॉन्गली मैसेज तो नहीं, स्ट्रॉन्गली मैसेज दिया है, सब पर केस भी रजिस्टर्ड हुए और अरेस्ट भी। अनुपम मीडिया की, मेरा सवाल है, काफी गंभीर आरोप लगाए आपने, दो गंभीर आरोप है, एक तो फेक करेंसी वाला आरोप लगाया है, दूसरा बम वाला आरोप लगाया है, इसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिएगा। नहीं, जितने बम धमाके बंगाल में हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान का टोटल कर दो तो बंगाल में ज्यादा हुए, एलोब्रेट कर दिया। और फेक करेंसी आने का रास्ता बांग्लादेश से जुड़ी हुई बॉर्डर है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, फिर भी रोकथाम नहीं हो रही, क्या एलोब्रेट कराना चाहते हैं? वहां तो बीएसएफ रहती है ना, बीएसएफ रहती है, अंदर भी तो पुलिस होती है, बॉर्डर पे नॉट करेंसी इम्प्लांट नहीं होती है, अंदर आकर होती है। अमित जी, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला की घोषणा की, तब ये कहा गया था कि टेररिज्म और नक्सलिज्म को कंट्रोल करने में ये सहायता करेगी और नक्सलों का नक्सलवादियों का कमर तोड़ देगी, तो ये सुकमा का जो अटैक हुआ, तो ये जो प्रमाइस था डिमोनेटाइजेशन में, क्या आपको लगता है वो अभी गलत साबित हो गई? ना जी,
एक घटना से कमर टूटी या नहीं टूटी का नहीं होता, ऑल ओवर एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कम ही हुई है, नक्सलियों की हिम्मत टूटी ही है, कमर टूटी ही है। एक घटना करने से कोई इसका इतने पुराने आंदोलन का असेसमेंट नहीं लगा सकते। और हम पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके शासन में इतना पनपे, वो लोग किसके शासन में वामपंथी बढ़े, वामपंथी हिंसा किसके शासन में बढ़ी, कांग्रेस के शासन में बढ़ी, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। दिलीप दा भावुक प्रकार के व्यक्ति है, जिस प्रकार का यहाँ भेदभाव हो रहा है सहन नहीं कर सकते, मगर दिलीप दा अब काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। उनमें से कोई भी क्या बीजेपी के संपर्क में है? नहीं, हमारे संपर्क में कोई नहीं है। और जहाँ तक राम जन्मभूमि केस का सवाल है, एक कानूनी मामला है, इस पर हमको टिप्पणी करना नहीं चाहिए। Sir, the Chief Minister has said, sir, the Chief Minister of Bengal has said that... Sir, haath khada kariye, aap kahan hain? The Chief Minister of Bengal has said that this entire Narada is a political event and she will fight it politically. 13 Trinamool leaders have been booked. What is your reaction? Nahin, jo karega, wohi toh book honge, jo nahin karega, kahan se book hoga? Aur neta saare television par dikhai padte hain. Kya sadhyantra hai? आप पैसा लेते हुए दिखाई पड़ते हो, जवाब क्या है? ये कोई कोरा आरोप नहीं है, आपके पास जवाब है इसका? आपने देखा है क्या वो टेप? अंदर तृणमूल के नेता दिखाई पड़ते या नहीं दिखाई पड़ते, आप उनको क्यों नहीं पूछते? आपको उनको पूछना चाहिए कि भाई आपके नेता कैमरा के सामने घूस ले रहे, क्या जवाब कर रही है? ये कोई आरोप नहीं है, जुबानी आरोप नहीं है, एविडेंशियल आरोप है। इसके एविडेंस है, दिखाई पड़ता है, पूरी दुनिया ने देखा है। जर्नलिस्टों ने उनको पूछना चाहिए, आप मुझे पूछ रहे हो भैया? अमित जी, मेरा ये सवाल है, पिछले दिनों में पश्चिम बंगाल में काफी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं घट रही है, वो चाहे भुलागढ़ हो या मालदा कालिया चौक का की घटना हो, ममता बनर्जी हमेशा इन सारी घटनाओं को झुठलाती रही है, उनका ये कहना है कि ये बीजेपी का हैंडीवर्क है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शासन में जो होता है उन्होंने बहाने नहीं निकालने चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि बंगाल के अंदर शासन का सांप्रदायिकरण किया गया है, इसी के कारण ही घटनाएं बन रही है। अगर एपीसमेंट नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अमित जी, असम में आपने असम में बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है वहां पे बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सील कर देंगे, क्योंकि वहां से घुसपैठिया आ रहा है और गोरु जो चल रहा है, तो आप जब यहां पे गवर्नमेंट में आएगा तो आपके गवर्नमेंट क्या यहां पे निश्चित रूप से सील कर देंगे। इसके पहले आपके सामने और एक चैलेंज है, वो है पंचायत इलेक्शंस जो कि अगले साल में शेड्यूल्ड है। बीजेपी की संगठन की मजबूती के लिए आप क्या ब्लूप्रिंट बनाए हैं बंगाल में? देखिए, मैंने पहले ही बताया शुरुआत में, शायद आपका ध्यान नहीं रहा है, हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ जाकर, गांव गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक काम को और ताकत दे रहे। मैं भी कल गया था, हम लोगों ने 150 घरों में संपर्क किया, मेरे साथ मैं भी 7 घरों में गया, हमारे कार्यकर्ता भी गए, और यह अभियान पूरे बंगाल में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का। मगर जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस बढ़ा रही है। सरकार बंगाल को बहुत तरह ममता बनर्जी का आरोप है, केंद्र सरकार
देखिए ये जो मैंने कहा है ये सारा आप आईटीआई लगाकर कर दीजिए, भारत सरकार की साइट पर है, बंगाल सरकार ने आईटीआई लगाई, यही आंकड़े आएंगे, एक रुपया नीचे आए तो मुझे दिल्ली आकर पूछ लूंगा। और ममता जी में हिम्मत है तो सारे आंकड़े प्रसिद्ध करना चाहिए ममता जी। मैंने आज सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा है, गोल मोल नहीं किया, आना पैसा रुपया के साथ अमाउंट बोला हूँ, एक मिनट, मैं आना पैसा रुपया के साथ अमाउंट बोला हूँ, भारत सरकार ने जो पैसा भेजा है। अगर ममता जी में हिम्मत है तो इसको डिनाई करे और कहे कि ना इतना नहीं इतना रुपया है, गोल मोल बात करने से कुछ नहीं होता सार्वजनिक जीवन। अमित जी एक जो नारदा में हो या शारदा में हो, रोजगारी में कभी कभार सीबीआई ने बुलाया है, वो लोग आज पार्टी छोड़ के आप लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं, कभी बीजेपी के हम लोग को शेल्टर देगी? मैं सबसे पहले कोई हमारे संपर्क में नहीं, और दूसरा ममता जी को बीजेपी का फोबिया हो चुका है, उनको हर चीज में बीजेपी दिखाई पड़ती है। अमित जी एक महीना में हिल्स में यहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शन है, एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टेट बीजेपी लीडरशिप और वहाँ पे जो जीजेएमएम है वहाँ उनके बीच एक क्लैश है, क्योंकि जीजेएमएम इज मोर इन टच विद द सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप एंड नॉट विद द स्टेट बीजेपी लीडरशिप। कोई क्लैश नहीं है भैया, सब मेरे संपर्क में, मैं कल सबको मिल रहा हूँ दोनों। आप चिंता मत करो ना, मेरा मेरी जिम्मेदारी है। अमित जी इस इलेक्शन में भी दोनों पार्टी एक साथ जी। अमित जी रामनवमी, अमित जी एक सवाल है कि बार बार प्रदेश में बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, संजीवनी भूटी जो है फोन कर चले आ रहे हैं, तो यहाँ के जो सांगठनिक क्षमता है इसे बढ़ाने के लिए संजीवनी भूटी कहाँ से लाएंगे? आप लोगों के बीच में से ही निकलेगी संजीवनी, बाहर से नहीं आएगी। अमित जी एक सवाल है, अमित जी बीजेपी से बोल रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की माइनॉरिटी कम्युनिटी है 30% वोट वो ममता बनर्जी के साथ है, और बीजेपी की अभी जो रणनीति है कि वो 70% वोट पर ध्यान दे रही है, जो बाकी जो 70% वोट है, तो ऐसे में नहीं लगता कि माइनॉरिटी कम्युनिटी अभी भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए है? और देखिए हम वोटर्स को माइनॉरिटी मेजोरिटी में बांटते नहीं, हम हिंदुस्तान के हर वोटर को डेवलपमेंट के नाम पर जोड़ने का काम करते हैं। अमित जी रामनवमी और हनुमान जयंती पे नहीं, मेरे जाने से कुछ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता, मगर मेरा जाने का अधिकार तो है या नहीं है, इसको ममता जी कैसे डिनाई कर सकती है? मेरा ऐसा नहीं कहना कि मेरे जाने से कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मगर मेरे जाने की इतनी चिंता क्यों हो रही है भैया? अरे हर जगह जाऊंगा भाई, कल कहां भवानीपुर था वो? अमित जी हनुमान भवानीपुर बंगाल का एरिया नहीं है क्या? अमित जी यात्रा पर दिलीप दा शोभा यात्रा निकले थे, बहुत सारा शोभा यात्रा निकला था, शस्त्र लेके शोभा यात्रा किया गया, इसको लेके मामला भी दर्ज किया गया, दिलीप दा को ऐसे बहुत सारे मामले हुए, ये शस्त्र लेके शोभा यात्रा करना और इसके खिलाफ मामला दर्ज करना दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए सुनिए भैया, एक के भी खिलाफ आप इतने सारे उत्सुकता से मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ करप्शन का केस नहीं है, कोई निर्लज्जता से टीवी के सामने घूस लेते हुए नहीं पकड़ा गया, आप जरा दूसरी वार्ड को तो पूछो। अगर कानून तोड़ा है तो केस चलेगा भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? हमारा तो शासन नहीं है यहाँ। अमित जी अमित जी बंगाल में चालू है कि दीदी भाई और मोदी भाई कुछ समझौता है, इसीलिए सीबीआई काम कर रहे हैं, तो उसका क्या जवाब हुआ कि ये सारे लोगों ने कहा
कि ममता जी विरोध कर रहा है, भाई तू दीदी भाई दीदी दी क्या कर रहा है तू? ये सारे लोग माने विरोध कर रहे हैं, मैं इतना भाषण दे दिया। ऐसी बातों का आंसर नहीं दिया है। उसको बैठने बोलो भाई, मैं फटो पे क्या टिप्पणी करूँ, शासन ने इसकी चिंता करनी चाहिए। ठीक है ना जी, ना जी अमित जी जैसे देवचानी फ्रॉम न्यूज नेशन, आपने इसके पहले जैसे हमने दूसरे स्टेट्स के देखा है कहीं पे गौरक्षक बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, कहीं पे गाय बैन किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ बैन करेंगे तो फिर बीजेपी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, यहाँ की गरीबी दूर करने के लिए है, यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए है और यहाँ सांप्रदायिक तनाव कम करने के लिए। मछली बैन करने की कोई स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? मेरा जवाब दे दीजिए। भुवनेश्वर में आप लोग का जो बैठक खत्म होने का बाद में ममता जी नवीन से भेंट किए, वहाँ का बाद में वो बोले थे जितना आंचलिक दल है सब इकट्ठा करने के लिए वो प्रयास जारी रखेंगे, तो अच्छा है करें। भाई हो गया, आपने एक बार पूछ लिया ना, बहुत सारे लोग हैं। अमित जी बोलो 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 रुक जाओ, अरे और तो काल्पनिक सवाल है, हमें किसी ने संपर्क ही नहीं, अरे सुनो भैया किसी ने संपर्क ही नहीं किया है, अगर संपर्क करता है तो भाई यदि तभी जर्नलिस्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, संपर्क कराओ ना तो उनको जवाब दे देंगे। अमित जी आप बार बार बोल रहे हैं, अमित जी आप बार बार बोल रहे हैं कि टीवी में लोग देखे जा रहे हैं, खुले तौर पे रुपए ले रहे हैं, कानून सीबीआई अपना काम करेगी, व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या मत है, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए? देखिए गिरफ्तार करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच दिया है, सीबीआई जांच कर उस पर निर्णय करे, मैं सीबीआई को ऑर्डर नहीं कर सकता भैया, आप लोग कर सकते हो। व्यक्तिगत नहीं होता है इसमें, सब सार्वजनिक होता है। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में जो चल रहा है सोन पेंटर को लेके, तो महबूबा मुफ्ती नरेंद्र मोदी जी के साथ जो बात की है कि इनिशिएट डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए, तो ये पीडीपी सोचते हैं और अभी जो लग रहा है कि वो सॉफ्ट हो गया स्टैंड पे, तो आपका क्या विचार है वहाँ पे, बीजेपी जो है वो क्या सोच रहा है कि सोन पेंटर के साथ बात इनिशिएट करना चाहिए या नहीं चाहिए? अभी महबूबा जी ने सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है, इस पर हम हमारी पार्टी बैठकर विचार करकर हमारी पार्टी की जो टीम कश्मीर के लिए पार्टी की नीति तय करेगी, वो टीम बैठकर विचार करते मेरे पास लाएगी, तब इस पर निर्णय करेंगे। दो दिन पहले हम लोग के पास
पास जो फुटेज है उसमें आईसीस के जो फ्लैग है, झंडे है, वो स्टूडेंट के हाथ में है, वो लोग हम वो एयर भी किए हैं। तो इसके ले इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं कि स्टूडेंट के हाथ में आईसीस के जो फ्लैग आ गए तो कैसे आ गए, ये आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी मेजर का कुछ ढीला ढाला है वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है पुलिस उसको ढूंढकर कार्यवाही भी की है और फ्लैग बनाने वाले तक भी पहुँच गया। अमित जी अगर हुआ है तो पुलिस कार्यवाही कर रही होगी और केस भी रजिस्टर हुए हैं। अमित जी, आपने पहले कहा था अपने बयान में कि बंगालियों ने बंगाल का बहुत नुकसान किया और उससे ज्यादा नुकसान ममता के राज में हुआ। जी, आप ये बताइए कि बीजेपी ने शुरुआती दौर में ममता का साथ देकर पाप किया है एक, और दूसरा तो ये है कानपुर में आपकी पार्टी का संगठन बढ़ रहा है और विभिन्न तो पार्टी से जैसे वामपंथी आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी आ रहे हैं, इनको लेकर देखिए ममता जी का दोनों चुनाव में हमने समर्थन दिया। जब वो चुनावी दौर की बात करें, शुरुआती दौर तब चुनकर नहीं आती थी भैया, दोनों सरकारें उन्होंने बनाई, हम खिलाफ लड़े और हमारी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ डट कर है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। एक और दूसरा, जहां तक हमारी रणनीति का सवाल है, हम हमारी पॉलिसी को लेकर, हमारी नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमारे काम का, हमारे संगठन का विस्तार करने का प्रयास। अमित जी, हमारा तो छोटा सवाल है। चले भैया, अमित जी, अमित जी, बहुत बहुत अमित जी, 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 अमित जी,